आप खुले आम क्वार्टर बेच रहे भाई, क्या बात है ये? नहीं सर, क्वार्टर नहीं है ये तो गाइस वीडियो की शुरुआत होती है इन खूबसूरत से फूलों के इन बागानों से भाई, यानी कि दौलत एपिल फार्म। ये देखिए भाई क्या मस्त यहाँ पे फूल खिले हुए हैं रंग बिरंगे, और ये नजारा भाई आपको यहीं देखने को मिलेगा। हे गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ भाई दौलत एपिल फार्म में, और अभी मॉर्निंग के भाई 8:30 बज रहे हैं, और भाई आज मौसम भी भाई चारों ओर बादल लगा हुआ है, और तो भाई आज बारिश आने की बहुत ही ज्यादा संभावना बनी हुई है। और यहाँ पे का नजारा कुछ इस तरह से शानदार बना हुआ है, चारों ओर यहाँ पे फूल ही फूल, और यहाँ पे पेड़ पे पक चुके हैं भाई सेब, जो बीज वगैरह है यहाँ पे सुखा रखे हैं, और यहाँ पे धीरे देखिए देखिए भाई क्या नजारा बना हुआ है मस्त सा, और यहाँ पे फूलों के बीच में तो और भी ज्यादा सुंदर नजारा। और यहाँ पे देखिए भाई माउंटेन पे यहाँ पे कोहरा देखिए भाई पूरा, यहाँ पे बारिश आने की पूरे संभावना बना हुआ है। 4-5 दिन से यहाँ पे बारिश नहीं आई, लेकिन आज यहाँ पे मौसम देखिए भाई कुछ इस तरह से यहाँ पे बादल लगे हुए हैं, यहाँ पे काले बादल, तो यहाँ पे आज लगता है कि बारिश आने की संभावना है। भाई धनिया के बीज भी यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, तो धनिया भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, और साथ में भाई यहाँ पे राजमा देखिए, यहाँ पे भी राजमा यहाँ पे भी तैयार हो चुके हैं, और कुछ निकालने अभी बाकी हैं, तो कुछ इस तरह के अलग अलग टाइप के हैं यहाँ पे राजमा। और ये देखिए भाई अंगूर के झील में अंगूर भी पक चुके हैं धीरे धीरे, तो आपको दिखा देता हूँ भाई कुछ इस तरह से अंगूर भाई, और ये धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं मस्त मार के, कितने बड़े झलर, और इस पर भाई देख सकते हैं पूरे अंगूर लगे हुए हैं जबरदस्त, तो धीरे धीरे पक जाएंगे ये भी 1-2 हफ्ते के बाद। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ भाई घर की ओर, यहाँ पे आप मौसम बारिश का होने वाला है, तो आज यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग नहीं है, तो हम चलते हैं मलारी की ओर। तो यहाँ पे मैंने जाली लगा दिया भाई जिससे कि अंदर कोई जानवर ना जाए, तो भाई यहाँ पे से आप चलते हैं हम मलारी की ओर, तो लेट्स गो। तो गाइज भाई मैं आ चुका हूँ बगीचे से मलारी की ओर, तो मलारी में भाई मेरे को मिल चुके हैं भाई बद्रीनाथ वाले बहादुर जी, जिनके साथ हुआ था उस दिन बहुत बड़ा घटना। तो भाई ये बहादुर हैं भाई जो कि बोलते हैं गोपेश्वर हॉस्पिटल में गए थे, ऐसे बोल रहे हैं ये, सत्य हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन ये बोल रहे हैं। तो बहादुर जी क्या हुआ था उस दिन आपके साथ गोपेश्वर हॉस्पिटल में, बोलिए। दवाई नहीं मिला। हाँ फिर बोला उसने फिर साहब बद्रीनाथ मिलेगा। अच्छा मतलब डॉक्टर साहब के पास आप गए, उन्होंने आपको पर्चा दिया, क्या बोला आपको? अभी इधर नहीं होगा, पर्चा दिया फिर बद्रीनाथ जाओ। बद्रीनाथ मेडिकल स्टोर में जाने के लिए बोला था बहादुर को, और बहादुर को ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो भाई बद्रीनाथ मंदिर की ओर बढ़ गया, वहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़ा, तो वहाँ पे से पता चला कि भाई बद्रीनाथ मेडिकल गोपेश्वर में है, तो वहाँ पे इस तरह के धांधली होते हैं डॉक्टर के द्वारा। तो ये जो बहादुर है बोल रहे हैं सत्य बात है झूठ है, लेकिन बोलने से तो नहीं लग रहा कि भाई सही बोल रहे होंगे। तो भाई अभी मलारी में आ गए हैं ये वर्किंग के लिए, पीछे देख रहे होंगे पत्थर का कंस्ट्रक्शन काम के लिए यहाँ पे बहादुर। तो भाई थोड़ा भाई इधर उधर पूछ लेते तो बद्रीनाथ आने का नौबत नहीं मिलता। चलो बहुत बढ़िया, बाय बाय। तो गाइज ये है भाई मलारी गांव का एकमात्र पानी का स्रोत, जो कि भाई हजारों साल पहले से यहां पे से कुछ इस तरह से आता है, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रहा है। तो भाई कुछ इस तरह से नज़ारा हुआ है, गंदगी के कारण ये पानी बहुत कम हो चुका है यहाँ पे, और भाई जब यहाँ पे ऑक्सीजन में बर्फ बुरफ गिरता है तो इसका पानी कंटिन्यू भाई यहाँ पे इसी तरह बहता है भाई। और यहाँ पे देखिए भाई चट्टान भी इस तरह से गिर रहे हैं भाई, देखिए भाई यहाँ पे भाई चट्टान गिर रहे हैं, इसके ऊपर है बंदर वगैरह वगैरह, तो भाई कुछ इस तरह से यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं चट्टान, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर हुआ है ये देखिए भाई। और भाई देखिए मलारी गाँव का जो तंबू है यहाँ पे भी धीरे धीरे यात्री भाई आ ही रहे हैं, तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे, और भाई देखिए घर पे इस दौरान यहाँ पे जो खोला होता है तो राजमा इस तरह फेंका जाता है भाई, अब इसकी होगी थोड़ा कुटाई फुटाई, अभी राजमा को मैं कोट काट के कर देता हूँ ओके। तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरह से सूख चुके हैं ये, और तो भाई कूटने के लिए यहाँ पे मैंने रखा है भाई ये लोहे का रॉड, स्टार्ट नाउ। Oh
भाई कूट काटने के बाद भाई कुछ इस तरह से हो गया है ये तैयार राजमा भाई। तो ये देखिए अभी एक ही राउंड कूटा है, एक दो राउंड और कूटना है इसको। और भाई कुछ मैंने पहले कूट दिया था, ये है भाई मिक्स राजमा। तो कुछ इस तरह से है। और भाई खेतों से लाने से पहले भाई कुछ चीज़ में हरे भी होते हैं, तो हरे वाले भाई ये देख रहे होंगे आप, हरे वाले जो राजमा है को तो कुछ इस तरह से होते हैं। तो भाई ये वेस्ट होने होते हैं, तो हमारे यहाँ वेस्ट को भी हम यूज़ कर लेते हैं किस तरह से। तो भाई कुछ इस तरह से काट लेते हैं और इनको ड्राई करना सुखा के। और ये भाई जब हम नीचे वाले गांव चमोली वाले गांव जाते हैं तो बांस जैसे बॉयल करके इसकी सब्जी बनती है एकदम झक्कास वाली। तो भाई राजमा यहाँ पे बहुत सारे, ये है मिक्स वेराइटी। तो यहाँ पे गांव में भाई जो ये मिक्स वाला है इस तरह का, तो ये लगभग 250 रुपये के जी, और ये होगा आपका 300 लगभग इस तरह का। यहाँ पे मार्केटिंग जो रेट चल रहा है गांव का वो है। और भाई हम तो बेचते नहीं हैं कुछ भी यूज के लिए। तो ये राजमा है, तो भाई कुछ इस तरह का सीन बना हुआ है। और ये देखिए भाई दीपावली के लिए यहाँ पे फूल भी खिल रहे हैं, क्योंकि इस बार भाई दीपावली हम इधर ही मनाने वाले हैं मलारी में। तो कुछ इस तरह का व्यू है भाई अपना हाउस। तो भाई चलते हैं थोड़ा मार्केट की ओर, नज़ारा दिखाता हूँ वहाँ पे का। ओ भाई जी टूरिस्ट बस्ट भी भाई साहब। तो गाइस भाई अभी मलारी के खेत में भाई लोग लगे हुए हैं भाई राजमा वगैरह जो भी धान बोते हैं यहाँ पे फसल वगैरह निकालने में। तो आज मौसम थोड़ा करवट ले रहा है, तो लगे हुए हैं गांव में देख रहे होंगे आप। और यहाँ पे गांव के खेतों में भी भाई सेब धीरे धीरे पक ही रहे हैं। और ये भाई जी भी लेके आ गए हैं भाई राजमा देखे कंडी में। तो ये प्रोसेसिंग चल रहा है अभी गांव वालों का। तो भाई यहाँ पे मलारी का जो भी भोज कार्य होगा, बड़ा बड़ा फेस्टिवल जो भी काम होंगे कार्य होंगे, यहाँ पे बन रहा है भाई फील्ड। तो देखिए भाई यहाँ पे गोरखिया बहादुर लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे वर्क पे। तो यहाँ पे फील्ड बनने वाला है, ये ऑफ सीजन में होके तैयार हो जाएगा मस्त। यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत बड़ा फील्ड बनने वाला है भाई ये। और ये है भाई मलारी गांव का ये सबसे बड़ा टैंक भाई, देख रहे होंगे भाई साहब। तो गाइस यहाँ पे हमको भाई साहब मिल गए हैं जो ब्रह्म कमल के साथ आए थे हमारे साथ। तो यहाँ पे अकेले घूम रहे हैं, थोड़ा एंटरटेन और करेंगे हमको भाई साहब जी, हो जाए ना एक खेतों के एक सॉन्ग और हो जाए। तो भाई यहाँ पे राइडर भी आ रहे हैं घूमने के लिए नीति वैली का सफर के लिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ भाई फर्स्ट दुकान पे यहाँ पे ढाबे में भरत भाई गया। तो यहाँ पे दिखाता हूँ भाई किस तरह का यहाँ पे सीन बना हुआ है। तो राम राम भरत भाई। राम राम सर, राम राम। ओ भाई साहब यहाँ पे ऑर्गेनिक यहाँ पे बेच रहे हैं मूली सब्जी वगैरह सब बेचते होंगे ना। तो यहाँ पे कैसा चल रहा है सीजन? सीजन बहुत तो मंदा चल रहा है, चलो खराब चल रहा है। चलो धीरे धीरे हो जाएगा, मंदा चलेगा मंदा। ओ माय गॉड मंदा कैसा चल रहा है यहाँ पे? तो आप खुले आम क्वार्टर बेच रहे भाई, क्या बात है? ये नहीं सर क्वार्टर नहीं है, ये तो खुमानी का तेल है। दिखाओ जरा, दिखाओ 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 खुमानी प्योर आयुर्वेदिक है, ये खुमानी का तेल है ये। ओ अच्छा, हड्डियों में और मांसपेशी में दर्द निवारक दवा है ये। अच्छा गाइस तो ये है भाई तेल जो है क्वार्टर वगैरह नहीं है, ऑर्गेनिक यहाँ पे का लोकल भाई चूली खुमानी का जो बीज होता है। तो ये ऑयल है भाई, देख रहे होंगे। तो ये भरत भाई के पास मिल जाएगा। तो ये क्वार्टर का जो क्या रेट है भाई जी? ये 250 रुपये। तो भरत भाई के यहाँ पे 250 रुपये का है, और मेरे नाम लेंगे आप हो तो आपको मिल जाएगा ये 150 रुपये का है। मिल जाएगा ना? दो में हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आइए आप चूली का तेल लेने के लिए, ये पेन ज्वाइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और ये देखिए भरत भाई की दुकान के बाहर भाई देखिए कुत्ते भी आस लगाए हुए हैं कि कब भाई हड्डी बनेगी और हमको मिलेगा। तो यहीं पे पड़े रहते हैं भाई जी, ये सारे जंगली ब्रेड है। तो भाई यहाँ पे देखिए मल्लारी गांव में भाई बंदरों ने आतंक मचा रखा है भाई। ये देखिए भाई, ये देखिए जी। तो भाई ये छतों के अंदर भाई यहाँ पे छोटे छोटे छेदों से भी अंदर आतंक मचा रहे हैं पूरा गांव के अंदर भाई, छोटे छोटे जो भी। ये देखिए भाई, अब छोटे छोटे खिड़कियों से अंदर घुस रहा है और यहाँ आतंक मचा रहा है गांव में भाई। यहाँ पे पूरे 15-16 बंदर हैं जिन्होंने पूरे मलारी में आतंक मचा रखा है भाई जी।
ये देखिए भाई पुराने जमाने की गाड़ी एस मॉडल आर्मी वालों की। ऐसा तो भाई कूट काट के यहाँ पे हो जगह है कंप्लीट। और यह है भाई घास जो कि भाई गायों के लिए तैयार हो चुका है ये। और यहाँ पे हो चुका है एक शिफ्ट का ये वाला एंड। और अगले दिन के लिए भाई ये फिर से तैयार हो चुका है मेरे लिए यहाँ पे राजमा पूरा कंडी भर के। और एक दो कंडी फिर आएंगे फिर यहाँ पे टैम करके कूटा जाएगा। एक दो हफ्ते का डेली का प्रोसेसिंग आजकल यही है डेली का रूटीन। तो गाइस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।